हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन 0365 में आपका स्वागत है। मैं रीमा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ अरवी के पत्ते का ये रिकवच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में अपना खेत दिखाया था जिसमें मैंने अरवी भी बोया था, तो ये पत्ते अरवी के ही हैं, मेरे ही खुद के खेत के हैं, तो मैंने ये काट लिया है। ये इतने ऊपर से मैंने काट लिया है और इसको अच्छे से पानी से धुल लिया है। मैंने 6 से 7 ये अरवी का पत्ता लिया है। इसकी जड़ें भी हम लोग खाते हैं, लेकिन मुझे पत्ते की ज़रूरत थी तो मैंने पत्ता तोड़ लिया। तो फ्रेंड्स, इसको काटने से पहले मैंने सरसों का तेल अपने हाथ में पूरा अच्छे तरीके से लगा लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ये लगता है, बाद में खुजली देने लगता है। तो अब मैं क्या करूँगी, तेल मैंने हाथ में पूरा अच्छे से लगा लिया है। अब अरवी के पत्ते के जो बड़े डंठल हैं, मैं उसको काट के अलग कर लूँगी। सारा मैंने काट के निकाल दिया है। अब हम जैसे सब्जी काटते हैं बिल्कुल उसी आकार में, भाजी जो काटते हैं ना, हमको बिल्कुल वैसे ही उसी आकार में काट लेना है, पतला पतला। सारे पत्तों को हमने काट लिया है, अब इसको हम बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सभी पत्तों को नहीं काटा था, इसमें से 4-5 हमने बचा के रख लिया था इसको फोल्ड करने के लिए। आप आगे देखते रहिए कैसे हम क्या करते हैं। इसके बाद मसालों में मैंने 1 गांठ लहसुन, 4-5 लाल मिर्च, ये चावल भिगो के मैंने रख दिया था ताकि जब हम रिकवच में डालें तो थोड़ा सा कड़कपन आए, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, और ये थोड़ा सा आम की खटाई लिया है। सारी चीज़ों को हम लेके इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेते हैं। चावल हमने ज़्यादा नहीं भिगाया था, हमने थोड़ी देर ही पहले ही भिगा दिया था, कि ये 15 से 20 मिनट पहले ही भिगा दिया था। अगर आपको मिर्चा कम पसंद है तो आप कम डालें। सभी मसालों को हमने पीस लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। कटे हुए अरवी के पत्ते में जो हमने मसाला पीसा था उसको हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, मसालों में हमने हल्दी पाउडर ऐड नहीं किया था, तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम मसाला डालेंगे, सब्जी मसाला ही हम ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको सान लेंगे। पानी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, हमारा इनफ है। अगर आपको सूखा लगे तो आप थोड़ा सा छिड़क के आप सान सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेंड्स मैं सूखा ही सानूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होता है कि हम अरवी के पत्तों को भी धुल लिए थे तो उसमें थोड़ा पानी भी लगा रहता है, और जो हम मसाले पीस लेते हैं तो वो भी उसमें थोड़ा सा पानी ही रहता है, और हमें ज़्यादा गीला नहीं चाहिए, हमें सूखा ही चाहिए। तो एक जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और कैसा हो गया है। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं बिल्कुल ये वैसे ही हो गया है, आप देख सकते हैं। अब एक खड़ा अरवी का पत्ता लेंगे, इस पे एक और रख देंगे। बहुत सी जगह क्या होता है कि इसमें खड़े खड़े पत्तों पे ही अपना बेसन लगा के उसमें मसाला ऐड करके लोग बना देते हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसे ही बनता है, पत्तों को काट के बनाते हैं। जो अरवी के पत्ते को हमने गूंथ लिया था, अब उसको लेंगे और ये पत्ते पे पूरा फैला देंगे। मैंने स्टफिंग को पूरा फैला दिया है पत्तों के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको गोल गोल घुमा के फोल्ड कर दूंगी, एकदम गोल सा आकार बना के।
इसको साइड साइड से भी हम इसको बंद कर देंगे ताकि ये निकले ना। हम दूसरा भी अरुई का पत्ता लेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे जो इसमें किया था। मैंने ये बना लिया है, अब चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे पानी। हम इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी ही ऐड करेंगे, ज़्यादा हम पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो उबाल आके हमारा जो रिकवच है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये छन्नी के जैसा ये बर्तन लिया है, अब इसको हम स्टीम पे पकाएंगे तो ये भाप से ही पकने वाला है। तो क्या करना है कि अब इसको इस पे रख देना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई या बहुत लो नहीं रखेंगे। ये बड़ा सा बर्तन रख देंगे ताकि इसमें स्टीम बने और हमारा रिकवच अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे और इसको घुमा भी देंगे ताकि हमारा दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, इसको आप हल्के हाथ से ही हटाएं, नहीं तो फिर ये बहुत नरम होता है क्योंकि पका नहीं होता है, तो इसको हल्के हाथों से हमें इसको घुमाना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसको 30 मिनट हो चुका है। अब हम इस एक माचिस का तीली लेंगे, इसके अंदर घुसा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से पक चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको 15 मिनट के लिए और रख देंगे ताकि ये और अच्छे से पक जाए। इसको ढक देते हैं। हमारा 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसको उतार लेते हैं और ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद ये ऐसा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। फ्रेंड्स, रिकवच बनने में 30 से 45 मिनट लग चुका है। रिकवच को हमने पतले स्लाइसेस में काट लिए हैं, अब रखना है फ्राई पैन, गैस पे चढ़ा देंगे। अब इसके बाद ऐड करेंगे तेल। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें रिकवच डाल देंगे एक एक करके और दोनों साइड से हम इसको सेक लेंगे। इसको संभाल के डालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा क्योंकि हमने इसमें चावल भी ऐड किया था। चावल डालने से ये होता है ना कि थोड़ा सा इसमें कड़कपन रहता है, इसलिए हम इसको चावल डालते हैं हमारे इधर। तो मैंने चावल भी इसीलिए ऐड किया था कि ये थोड़ा सा कड़क लगे, बहुत नरम ना लगे। एक साइड का हमारा पक चुका है, अब हम इसको हल्के हाथ से इसको पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा रिकवच दोनों साइड से हमने अच्छे से ब्राउन कलर में इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा रिकवच बनके तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो का अपडेट मिलती रहे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।